जेडीयू से निलंबित और फरार एमएलसी मनोरमा देवी के फरार हुए 3 दिन हो गए हैं। मनोरमा देवी की तलाश में पुलिस ने गुरुवार को बिंदी यादव के भाई शीतल यादव के गया आवास पर छापेमारी की। हालांकि इस बारे में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। दरअसल उत्पाद विभाग और पुलिस की छापेमारी में मनोरमा देवी के घर से शराब की बोतलें बरामद हुई थी। इस मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद मनोरमा देवी फरार है। बिहार पुलिस ने जेडीयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने बताया कि मनोरमा की गिरफ्तारी के लिए लगातार कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही एडीजी ने यह भी बताया कि जिस मिल से आदित्य की हत्या के मुख्य आरोपी रॉकी को गिरफ्तार किया गया था, वहां उस वक्त मौजूद लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल उन लोगों पर अपराधी को छुपाने का मामला बनता है। गया पुलिस ने वारंट ऑब्टेन कर लिया है ऑनरेबल कोर्ट से और उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं और आगे ने पीछे अंतर्गतवा सभी को जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके सामने सबमिट करना पड़ता है और निश्चित रूप से माननीय विधान पार्षद को भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सामने अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा और उसके बाद और साथ ही साथ हम लोग जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कर रहे हैं। फरार बताई जा रही है मनोरमा देवी फरार हो गई हैं। आखिर कहां छुपी है मनोरमा देवी, ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल बनता नजर आ रहा है। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। अमित, फरार है लगातार मनोरमा देवी, कल भी पूरे दिन उनका इंतजार किया गया, गया कोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, आखिर पुलिस के हाथ क्यों नहीं लग पा रही है मनोरमा देवी? देखिए बिल्कुल सवाल ये जो है वाजिब है ललिता, और सवाल का जवाब जो है वो पूरे गया वासी जो है वो जानना चाहते हैं, जवाब जानना चाहते हैं। गया पुलिस की तरफ से हालांकि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जल्दी मनोरमा देवी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर इस बात को लेकर के भी काफ़ी चर्चा रही। अगर हम कल की बात कर ले, परसों की बात कर ले, तो दोनों दिन इस बात की चर्चा काफ़ी तेज़ रही गया में कि मनोरमा देवी जो है वो कभी भी जो गया कोर्ट है वहाँ पर आकर के आत्मसमर्पण कर सकती हैं, कोर्ट के सामने हाजिर हो सकती हैं और फिर अपनी जो है वो रखेंगी। लेकिन इस बीच गया पुलिस की बात कर ले तो उनके तरफ से भी दावा होता रहा, बिहार की जो पुलिस एडीजी मुख्यालय है सुनील कुमार, उनके तरफ से भी ये दावा किया गया कि जल्दी मनोरमा देवी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है बिहार अधिनियम शराब एक्ट 2016 है उसके खिलाफ, उसके अलावा बात कर ली जाए कि उनके घर से जो नाबालिग नौकर बरामद किया गया था तो उस मामले में भी उन पर मामला बना है, तो इन दोनों मामलों में उन पर कार्रवाई होगी और जो कानूनी कार्रवाई है वो तेज की जाएगी। लेकिन गिरफ्तारी कब तक होगी, आत्मसमर्पण वो कब करेंगी, इसका जवाब ना तो गया पुलिस के पास है और ना ही पुलिस मुख्यालय के पास। इस बाबत हमने बात की एडीसी से तो उनका एक दावा था वो सिर्फ यही था कि जल्दी मनोरमा देवी गिरफ्तार कर ली जाएंगी, लेकिन डेडलाइन की बात की जाए या फिर ये कहा जाए कि कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो इस बाबत पुलिस का कहना है कि छापेमारी की जा रही है और मनोरमा देवी चाहे जितने भी बचने की कोशिश करें लेकिन वो बचेंगी नहीं, उन्हें कानून की गिरफ्त में जरूर आना होगा, उन्हें गया पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। बिल्कुल, बिहार पुलिस को इंतजार है मनोरमा देवी के सरेंडर करने का और मनोरमा देवी लगातार फरार चल रही है। अमित, आपका बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमसे बातचीत करने के लिए।